व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज इंडी एक्सप्लोरर। आज है महाशिवरात्रि का दिन और आज हमारे एरिया में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होने वाला है। तो आज कुछ स्पेशल है, इस साल का पहला मतलब शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो एक यात्रा निकलने वाली है और आप लोग का जो थंबनेल है वो देख के समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है एक्चुअली। बट सस्पेंस बना रहेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, खिचड़ी बनने की प्रोसेस जो है सामने गार्डन में शुरू हो चुकी है हमारे पार्किंग लॉट में, और मंदिर में पूजा पाठ चल रही है, सुबह से ही चल रही है। मैं तो अभी 10 बजे सो के उठा हूँ क्योंकि कल रात थोड़ा सा लेट सोया था, और अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। ये टॉवल मैं अपना हटा देता हूँ। तो अभी तक अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बाकी हमारी सारी वीडियोस देखते हैं। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो देखो यार, मज़े आएंगे आपको और उसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे फटाफट से। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे वाले रूम में दोनों हमारे छंगू मंगू सो रहे हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे सामने टेंट लग चुका है क्योंकि यहीं से खिचड़ी वितरण होने वाला है, और बाकी फिर यहाँ पे इधर खिचड़ी बनने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। देखिए सभी लगे हुए हैं काम करने में, पूरी टीम उधर लगी हुई है। बाकी मुझे अपना थोड़ा सा काम है, कुछ साइट्स का ड्राइंग वाइंग चेक करनी है, तो वो काम मैं निपटाऊँगा, उसके बाद फिर मैं इनको ज्वाइन करूँगा। मैं सुबह आज जिम भी नहीं जा पाया और आज मेरे जिम की छुट्टी लग जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी। तो गाइस ये खिचड़ी बन चुकी है और ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आधे लोग मंदिर जा चुके हैं, पापा बैठे हैं, चाचा लोग खड़े हैं, ये दुर्गेश भैया भी खड़ा हमारे, और ये आशीष चाचा खिचड़ी चला रहे हैं। तो ये तीन तपेले भर के खिचड़ी बनी है बड़े बड़े, और ये खिचड़ी गर्म हो रही है अभी भी। तो ये तीन तपेले भर के, एक दो और ये तीन, इसके तपेले के अंदर भी खिचड़ी है और ये तैयार होके आ गए हमारे कुछ भैया, और ये महाकाल की टी शर्ट पहन के लड़के हमारे दो तीन चंगू मंगू होन। ये बलून, ये इनको होली चढ़ गई अभी से, होली की तैयारी चालू कर दी इनने, और ये इधर से तन्नू रेडी होकर आ रहा मंदिर होके दर्शन करके। तो ये पागल ने पगलाना चालू कर दिया है। तो गाइज अभी तक मैंने तो चेंज नहीं किया, मैं सुबह से काम में ही लगा हुआ हूँ, काम जारी है। मैं थोड़ा छोड़ के काम और उधर गया था इसलिए कि क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो चुका है। ये नाच क्या दिखा रहे हैं बच्चे उन हमारे घर के, ये पागल हो गए, वो चश्मा बिगड़ गया इनका, नाच के दिखाओ। पहलवान स्टाइल। डंड लगा के, अरे पहलवान वाली स्टाइल में डंड लगा के। चलो तो गाइस मंदिर में 12 बजे वाली आरती होने वाली है, तो चलो अपन फटाफट से चलते हैं, चेंज कर पाते हैं। तो गाइस ड्रेसेस अपनी चेंज हो चुकी है बहुत फटाफट, और आरती में ड्रेस चेंज कर रहा था उस वक्त ख़त्म हो गई थी, मैं पहुंचा जब तक आरती ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैं घर आया रिटर्न, अभी थोड़ा सामान लेके जाना है तो वो लेके जा रहा हूँ। तो गाइस ये प्रसादी वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ले कर दिल भटका, 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 ले कर
घर पे खाते हुए बारात में किताब घूम जाएंगे। सभी भक्तजन आए अपनी हाजिरी में, सभी भक्तजन बारी बारी से तो गाइस खिचड़ी वितरण निपटने के बाद फिर ये अभी हम हमारे ब्रूनो बड़े ब्रूनो को घुमा रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास दो दो ब्रूनो हैं। तो गाइस यहाँ पे जीप को डेकोरेट किया जा रहा है हमारी ओपन करके और अंदर चाचा जी भी। तो गाइस ये जीप को डेकोरेट किया जा रहा है और ये इधर भी सब तैयारियाँ चल रही है। तो गाइस बैंड आ चुका है और अंदर हमारे जय चाचू बन रहे हैं शिव जी, जो कि आज प्लान किया था हमने, और शिव जी का रथ तैयार हो चुका है। कुछ ही देर के पश्चात हम निकालने वाले हैं शिव जी की बारात हमारे एरिया से। बहुत मजे आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you.
सभी को भोले बाबा की बारात में आमंत्रित किया और सभी से आग्रह किया कि बाबा की बारात में चलने से अपना जीवन धन्य होता है। अभी क्या है? तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यात्रा से आने के बाद फिर हम लोग एक संगीत और हल्दी और मेहंदी सेरेमनी में चले गए थे, जो हमने अटेंड की। वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद फिर आ गए थे वापस। तो सुंदरकांड चल रहा था मंदिर में, वहाँ से आके मैंने अपना थोड़ा काम निपटाना था, जो कि कल डेडलाइन है मेरी, ख़त्म करके काम सारे देने हैं, तो वो करने में लग गया था। अभी आरती हुई तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो आरती मैंने बाहर से ही अटेंड की। और अब इस वीडियो का एंड करने का समय आ गया है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो देखने कंटेंट के साथ। धन्यवाद।